हेलो बच्चों, देखो कुछ क्वेश्चंस ईएमआई के वर्कशॉप 2। मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स के अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था। देखो, दो सिरे ए और बी, इसमें प्रवाही धारा का मान आई है। अब आपको दे रखा है, इसका स्वप्रेरकत्व दे रखा है, मान लो 4 हेनरी, और इसमें प्रवाहित धारा का मान डी आई अपॉन डी टी का मान, डी आई अपॉन डी टी क्या है, धारा के मान में परिवर्तन की दर, धारा के मान में परिवर्तन की दर का मान आपको दे रखा है, मान लो -3 एम्पियर प्रति सेकेंड। तो अब आपसे कहा जा रहा है वी ए माइनस वी बी ज्ञात करो, यह आपका सवाल है। तो अब वी ए माइनस वी बी का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिमाण ज्ञात कर लो। ई बराबर क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी, ये होता है प्रेरित विभवांतर। जब कुंडली में धारा में परिवर्तन होगा तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर पैदा होगा, तो इसका सूत्र होता है एल डी आई बाई डी टी। एल का मान है 4 और परिमाण लिख रहा हूं, देखो मैं दोनों साइड में परिमाण लिख रहा हूं, तो यहां भी परिमाण आएगा और यहां परिमाण आएगा, तो इसका मान है 3, यह आ गया 12 वोल्ट। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, वी ए माइनस वी बी ज्ञात करना है। तो अब आपको इसके लिए क्या सोचना है, लेंज का नियम सोचना है। लेंज का नियम क्या कहता है, देखो इधर, लेंज का नियम कहता है कि इसमें जो धारा में परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का विरोध किया जाएगा। तो अब देखो प्रेरण का कारण क्या है, प्रेरण का कारण है आई में कमी। कैसे पता चला बताओ, माइनस का चिन्ह दे रखा है, इस माइनस के चिन्ह से पता चलता है कि इसमें प्रवाहित धारा के मान में कमी हो रही है। ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा के मान में कमी हो रही है। तो अब बताओ, अब लेंज के अनुसार प्रेरित धारा, अगर इसमें कमी हो रही है, इसमें मुख्य धारा में कमी आ रही है, तो लेंज के अनुसार प्रेरित धारा, बताओ प्रेरित धारा इसी दिशा में होगी। लेंज के अनुसार प्रेरित धारा भी इसी दिशा में होगी, मतलब लेंज कहता है प्रेरित धारा इसी दिशा में होगी, मतलब यहां जो वो काल्पनिक विभवांतर बनेगा ए और बी के बीच में, जो विभवांतर पैदा होगा वो धारा इस दिशा में छोड़ेगा भी, इस दिशा में छोड़ेगा, मतलब इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, जब भी तो धारा इस दिशा में छोड़ेगा ही, इस दिशा में आई प्रेरित किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए, इसका अर्थ क्या हुआ, वी ए लेस देन वी बी, ए का विभव बी के विभव से छोटा होगा, अतः वी ए माइनस वी बी का मान जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 12 वोल्ट। क्या आएगा, -12 वोल्ट। तो ये चिन्ह आपको कैसे पता चलेगा, लेंज के नियम से पता चलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। मान लो धारा इधर जा रही, ये ए है और ये बी है और ये धारा है, एल बराबर मान लो 25 मिली हेनरी है, ठीक है, और डी आई अपॉन डी टी का मान आपको दे रखा है मान लो 3 एम्पियर प्रति सेकेंड, प्लस का दे रखा है, यहां प्लस है। तो सबसे पहले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण निकालो, क्योंकि और पूछा गया है आपसे वापस वी ए माइनस वी बी का मान आपको ज्ञात करना है। ये सवाल है भी आपके लिए, चाहो तो कुछ बच्चों को मैं समय दे रहा हूं, ट्राई मार लो, कॉपी पेन तैयार रखो, वर्कशॉप का जो असली मकसद है वो यही है,
कि आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपके लिए परेशानी का सबब न बने। चलो एक और देखते हैं। इसके बाद देखो, L बराबर मान लो 5 हेनरी है और di/dt बराबर -2 एम्पियर प्रति सेकेंड। ये A है और ये B है और धारा इधर की तरफ है और आपको VA माइनस VB का मान आपको ज्ञात करना है। एक और सवाल देखते हैं। 4 बार अप्लाई होने के बाद तो अच्छे से अच्छा सवाल नतमस्तक हो जाता है। L बराबर मान लो 50 मिली हेनरी एंड di/dt बराबर दे रखा है मान लो 0.1 एम्पियर प्रति सेकंड और VA माइनस VB का मान आपसे पूछा जाए। मान लो ये दे रखा है 20 एम्पियर प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं कैसे निकालेंगे। ट्राई मारिए आप लोगों ने इसकी। सबसे पहले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण निकालो। E का परिमाण क्या होता है? L di/dt होता है। L का मान दे रखा है 25 मिली हेनरी, 25 × 10⁻³ मिली का मतलब जानते ही हो। और di/dt का परिमाण लिखना है आपको कितना, 3। ये हो गया 75 × 10⁻³ वोल्ट या 75 मिली वोल्ट आ गया। ये आपको आंसर आ गया, लेकिन लेंज का नियम लगा करके अभी आपको सही आंसर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि I में मुख्य धारा प्लस में है ना, ये di/dt प्लस का है। तो क्योंकि I के मान में मुख्य धारा में वृद्धि हो रही है, और जब मुख्य धारा में वृद्धि हो रही है, ये मुख्य धारा है भी, तो प्रेरित धारा बताओ किधर होगी। प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में होगी। और जब प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में होगी तो अब आप सोचो, प्रेरित धारा, देखो मैं दोबारा बनाऊं इधर, इसके विपरीत दिशा में मतलब धारा इधर की तरफ आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये A है और ये B है, तो मुख्य धारा इधर है। तो लेंज कहता है चूंकि इस धारा के मान में वृद्धि हो रही है, 3 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, इसलिए लेंज कहता है इसका विरोध होगा, इसके विपरीत दिशा में धारा छोड़ेगा। धारा इधर छोड़ेगा, इसका मतलब इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका मतलब क्या हुआ? वी ए का मान लेस देन वी बी हो गया। तो बताओ क्या होगा? वी ए माइनस वी बी का मान कितना आएगा? माइनस का आएगा कितना? 75 मिली वोल्ट आएगा। माइनस का 75 मिली वोल्ट आएगा। देखो ऐसे मत सोचना ये वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो ये प्लस में लिख दो, ये माइनस, ऐसे नहीं। सिर्फ परिमाण निकालना पहले, विद्युत वाहक बल का परिमाण, फिर उसके बाद लेंज का नियम लगाना, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आए। आप काफी लंबे समय तक इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास शॉर्टकट और भी है, लेकिन वो टेम्पररी है। थोड़ा सा भी स्लिप मारेगा दिमाग में तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये ऐसा बेसिक मेथड है। लेंज का नियम तो हमेशा ही लगाना आएगा आपको, हर बार कारण का विरोध करना है। चलो यहां लगा करके देखते हैं। देखो E बराबर LdI/dt लगा दो इसके अंदर। L का मान 5 और DI, देखो परिमाण लिखना है आपको, यहां पे परिमाण लिखना है, और इसका मान कितना है? 2। कितना आ गया? 10 वोल्ट है। इसका मान 10 वोल्ट आ गया, मतलब इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान 10 वोल्ट आएगा, ये पक्का हो गया। लेकिन चूंकि मुख्य धारा में कमी हो रही, अतः प्रेरित धारा किधर होगी बताओ? अतः प्रेरित धारा
जब मुख्य धारा में कमी हो रही है तो प्रेरित धारा इसी दिशा में होगी। मतलब अब चित्र देख रहे हैं आपको, इसी दिशा में होगी। देखो इधर, ये ए और ये बी, इसका मतलब ये हुआ, देखो इस धारा का मान इस दर से घट रहा है, माइनस का चिन्ह कह रहा है कि भाई घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लेंज कहता है कि इसको घटने नहीं देंगे, इसी दिशा में धारा छोड़ते रहेंगे तो धारा घटेगी कैसे। अगर इस धारा का मान घट रहा है तो लेंज कहता है हम घटने नहीं देंगे, बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देंगे, घटेगा तो इसी दिशा में धारा छोड़ेगा। इस दिशा में धारा छोड़ेगा मतलब यहां इसका प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा, ऐसा आएगा। इसका मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी होगा, तो वी ए माइनस वी बी अब निकालूंगा ना तो प्लस का आएगा, ये बड़ा है ये प्लस का है, ये सिरा पॉजिटिव बनेगा ये सिरा नेगेटिव बनेगा, तो इसका मान आएगा प्लस का 10 वोल्ट। ये आपका आंसर, ऐसे सॉल्व कर देंगे। और देखते हैं, देखें वहां, देखो कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती इस तरह से, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। E बराबर क्या होता है, L di अपॉन dt से पहले परिमाण निकालो, L का मान है 50 × 10⁻³ मिली हेनरी ना, और di अपॉन dt कितना है 20, इसको और इससे गुणा करो बताओ कितना आएगा, 1000, इसको इससे गुणा करो 1000 × 10⁻³ कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। अब यहां प्लस का चिन्ह है भी, चूंकि मुख्य धारा में वृद्धि हो रही है, वृद्धि, इस मुख्य धारा में वृद्धि कैसे पता चलती है, डीआई अपॉन डीटी प्लस का है, अगर डीआई अपॉन डीटी माइनस का है इसका मतलब कमी की दर, धारा में वृद्धि हो रही है, अतः प्रेरित धारा इसके विपरीत होगी। अब इसके विपरीत होगी तो देखो, ये ए बनाया ये बी बनाया, अब देखो ये धारा किधर है, इधर है, तो वो प्रेरित धारा इधर छूटेगी, इधर छूटेगी, इसका मतलब इधर की तरफ प्लस आएगा, इधर माइनस, ये प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, हम बोलेंगे वी ए माइनस वी बी जब मैं निकालूंगा तो प्लस का आएगा आंसर, तो प्लस का आ गया 1 वोल्ट। इस तरह से सॉल्व करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं देखते हैं, देखो और देखते हैं आगे। तो ये एक तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे, कम से कम लेंज का नियम लगा करके आप सॉल्व करेंगे तो चिन्हों की गलती नहीं होगी। और खास बात, इस तरह के क्वेश्चन में दोनों चिन्ह वाले ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे 10 वोल्ट आ रहा है तो प्लस का भी मिलेगा माइनस का भी मिलेगा। अब आप आंसर कैसे लिखोगे, तो आंसर के लिए लेंज का नियम लगाना जरूरी हो गया, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन देखें, इसके अंदर दिया हुआ है आपको, देखो एक सीधा तार दे रखा है, एक सीधा तार और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप लोग जानते हैं कैसे पैदा होता है, धारा इस दिशा में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, इसको इस तरह से पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो इसको पकड़ते समय हमने देखा उंगलियां यहां तो इधर जा रही हैं, इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां उंगलियां इधर गई इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा, अंदर की तरफ, अंदर का मतलब क्रॉस, यहां इधर आ गई और यहां बाहर आ गई। देखो अगर मैं यहां पूछूंगा तो बाहर आएगी उंगलियां, और यहां पूछूंगा तो अंदर जाएंगे। और दूसरी बात,
यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, दूरी के साथ साथ तीव्रता का मान कम होता जाए। एक और बात, यहाँ एक वर्गाकार लूप रखा हुआ है, ये वर्गाकार लूप है, ठीक है। अब आपसे इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल क्या क्या है, देखो, सीधा धारावाही चालक तार एवं एक वर्गाकार लूप एक ही तल में, एक ही तल में उपस्थित, एक ही तल में, दोनों बोर्ड पे बने हुए हैं, बोर्ड एक ही तल में उपस्थित है। अब पहला सवाल पूछा जा रहा है, यदि तार में धारा में वृद्धि की जाए करे तो आपको दो चीजें बतानी है, प्रेरित धारा की दिशा तथा दोनों के मध्य बल की प्रकृति, बल आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, ये आपको बताना है, बल की प्रकृति। अगर इसमें धारा का मान बढ़ाया जाए तो क्या होगा, चलो इधर देखो, क्या देखते हैं अपन, यहां जो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो कैसा पैदा होगा मालूम है, ऐसा पैदा होगा। और आपको पता है भाई यहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो मैंने पास पास ही बना दिया, यहां ज्यादा होगा और इधर चलेंगे तो तीव्रता का मान कम होगा, यहां बी ज्यादा है और यहां कम है। आपको पता है बी का सूत्र लिख देते हैं, क्या होता है बी का सूत्र बताओ, म्यू जीरो आई अपॉन टू आर। अगर ये वृत्ताकार होता तो ऐसा होता है, तो दो चीजें यहां से देखने को मिली, बी प्रोपोर्शनल टू आई एवं बी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, दो चीजें आपको बताए। अगर मैं धारा का मान बढ़ाऊंगा इसके अंदर तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा, यदि तार में धारा में वृद्धि करें तो क्या होगा बताओ। तो देखो, धारा में वृद्धि करेंगे तो प्रेरण का कारण क्या हो गया बताओ, प्रेरण का कारण क्या हो गया, बी क्रॉस का मान बढ़ेगा। प्रेरण का कारण क्या हो गया, ये क्रॉस है ना, क्रॉस का मान बढ़ेगा। अब लेंज क्या कहता है, लेंज क्या कहता है, एक चीज और एक स्लोगन याद करो, लेंज का एक स्लोगन याद करो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करके लिख लेना भाई सब, एक बार ध्यान से देखो पूरा सवाल। देखो, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ये वर्गाकार लूप है, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, इस जगह जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है वो बी प्रोपोर्शनल टू आई, धारा जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा, लूप को अगर दूर चलाऊंगा या लूप को पास की ओर चलाऊंगा तो दूरी का मान चेंज होगा, तो बी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा और दूरी घटेगी उल्टा है, दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब आपसे कहा जा रहा है ये दोनों एक ही तल में, आपको ये बताना है कि इसमें धारा कैसे प्रेरित होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैंने शॉर्टकट मार दिया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एसी डब्ल्यू या एसी डब्ल्यू, ये मैंने आपको कंसेप्ट पहले बता रखा है। दो तारों में समान दिशा में धारा हो तो आकर्षण बल लगता है, हम सिद्ध कर चुके हैं पहले, और विपरीत दिशा में हो तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ये कंसेप्ट पुराना काम आ रहा है हमारे। अब आपसे कहा जा रहा है यदि इस तार में धारा का मान बढ़ाया जाए तो, अब देखो, एक मैंने आपको स्लोगन दिया है, ये कहता है लेंज, लेंज का नियम मैंने थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर लिया, लेंज का नियम वही है जो हो रहा है उस कारण का विरोध करना है, तो मैंने उसको इस तरह से ये इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, बढ़े तो अपोज और घटे तो सपोर्ट। आपको पता है सपोर्ट की जरूरत किसको पड़ती है, जो गिर रहा है, जो घट रहा है, जो गरीब होता जा रहा है उसको सपोर्ट की जरूरत है, और जो अमीर होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है
उसको तो अपोज करने की जरूरत है, अपोज करने की जरूरत है, तो सपोर्ट की जरूरत गिरते हुए को, बात समझ आई। तो अब देखो इन चीजों का अगर मैं ध्यान रखता हूं तो यहां चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, कैसे पता चला, इससे, इससे पता चला, ठीक है। यदि तार में धारा में वृद्धि करें तो अब देखो सोचेंगे इसमें धारा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्रॉस बढ़ेंगे, यहां पर क्रॉस बढ़ेंगे, अब ये बढ़ रहा है तो मैंने स्लोगन आपको दिया बढ़े तो अपोज, इसका उल्टा कर दो। और इस डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, प्रेरित धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी, वामावर्त दिशा में होगी। अब वामावर्त दिशा में होगी तो इधर देखो, वामावर्त का मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो धारा इधर जाएगी। अब ये दोनों धाराओं को देख लो क्या लगेगा, दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, इसका मतलब तार लूप को प्रतिकर्षित करेगा। अब यदि तार में धारा घटाऊं, घटाओ तो देखें धारा घटेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, ये प्रेरण का कारण हो गया। धारा घटेगी तो देखो धारा बी प्रोपोर्शनल टू आई, धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, क्रॉस घटेगा, तो हमें मालूम है स्लोगन घटे तो सपोर्ट, अगर ये घटेगा तो लेंच कहता है इसका सपोर्ट करो, या क्रॉस पैदा कर दो, सपोर्ट कर दो इसका, ये सपोर्ट कर दिया क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी। अब दक्षिणावर्त का मतलब धारा, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, इधर गई देखो ये गई धारा, ये गई धारा, ये दोनों धारा एक ही दिशा में, क्या लगेगा, आकर्षण बल, इसका मतलब लूप तार को आकर्षित करेगा, ये आकर्षित हो गया यहां पर। अब मैंने धारा के बजाय अब इसको इधर उधर चलाना का आपको सवाल दे रखा है, चार क्वेश्चन ने अलग अलग मिला करके एक बना दिया। यदि लूप को तार से दूर की ओर चलाया जाए, इसको दूर चलाओ, अब इसका इस्तेमाल करेंगे अपन, इसका अगर दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र घट गया, घट गया तो सपोर्ट कर दो, ये पैदा कर दो, यहां घट गया तो सपोर्ट कर दो, सपोर्ट, सपोर्ट आपने सपोर्ट कर दिया इसका, ये पैदा कर दिया क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वापस क्लॉकवाइज धारा, इसी दिशा में धारा, दोनों समान दिशा में है, आकर्षण का बल लगेगा, लूप तार को आकर्षित करेगा। और चौथा मैंने आपको दिया था, यदि लूप को तार की ओर चलाया जाए, इधर लाओ साहब, तो क्या होगा, प्रेरण का कारण बताओ, आर घट रहा है, दूरी को इधर की तरफ चलाया जा रहा है, आर घटेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, बढ़ेगा, उल्टा है ना, तो प्रेरण काहे का होगा, अब लेंज को याद करो, बढ़ रहा है तो अपोज करो, प्रेरण काहे का होगा, डॉट, इस डॉट का मतलब क्या हो गया, प्रेरित धारा की दिशा बताओ, डॉट का मतलब बता रखा है मैंने आपको, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, एक मिनट है आपको, डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और बताओ, अब एंटी क्लॉकवाइज धारा डालो तो इसमें, एंटी क्लॉकवाइज धारा तो धारा इधर डलेगी, दोनों विपरीत दिशा में, कौन सा बल लग गया, प्रतिकर्षण बल लग गया, अतः तार लूप को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो आप कंसेप्ट्स के रूप में एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो आगे देखते हैं। दो क्वेश्चंस मुझे मात्रकों से संबंधित बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों क्वेश्चंस आपके राजस्थान बोर्ड के लिए लॉलीपॉप भी हैं, कैसे कैसे, एक तो आपसे पूछा जाता है एल अपॉन आर और एक फाई अपॉन आर, एल
सो आप रह रखा तो है फाई चुंबकीय फ्लक्स है और आर क्या है प्रतिरोध है। आपको इसका मात्रक भी बताना है, इसका भी बताना है और दोनों की विमा भी बतानी है। तो देखो आपको वन बाय वन सॉल्व करने इन दोनों, ये दो क्वेश्चन है आपको, आपके पास मात्रक और विमा, मात्रक एवं विमाएं बताओ। दोनों अच्छे सवाल हैं। तो पहला देखो एल अपोन आर, देखें ध्यान से, एल स्वप्रेरण गुणांक होता है, क्या होता है याद है आपको, सोचो बहुत सारी चीजें जानते हो आप इसके बारे में, कौन कौन से मात्रक जानते हो, हेनरी जानते हो और क्या जानते हो, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर जानते हो, क्या जानते हो, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। और आर बराबर क्या होता है याद है, आर बराबर वी अपॉन आई होता है ना, तो वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर ये भी होता है। ये कट गया देखो दोनों साइड से, क्या बच गया सेकेंड बच गया, तो इसका एल अपॉन आर का मात्रक क्या बन गया सेकेंड। विमा क्या बन गई बताओ, विमा बन गई टी वन, याद रहेगा एल अपॉन आर का मात्रक, मात्रक क्या बन गया सेकेंड और विमा क्या बन गई टी वन, सिंपल सा काम। नंबर टू देखो, अरे वो सीधा है यार, फाई अपॉन आर, फाई अपॉन आर बताओ, फाई अपॉन आर के निकालो, बता सकते हो, अरे यार क्योंकि फाई बराबर क्या होता है एल आई होता है ना, इसको आई से गुणा कर दो वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड तो इसका हो गया और ये हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका हो गया। अब देखो क्या आएगा बताओ, आपको मालूम है वोल्ट से वोल्ट कट गया, देखें एक मिनट इधर, देखें ये यहां मीटिंग एंड हुई आपकी। आपको मैं दो चीजें पूछ रहा हूं इस सवाल के अंदर, दोबारा से बता रहा हूं, एल अपॉन आर और फाई अपॉन आर, इन दोनों के मात्रक और विमा बताने हैं आप, दोनों के मात्रक एल अपॉन आर और फाई अपॉन आर। तो देखो एल अपॉन आर के बारे में, एल स्वप्रेरकत्व है, इसका मात्रक जानते हो वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर होता है, होता है, साथ में प्रतिरोध आप जानते हो चूंकि आर बराबर वी अपॉन आई होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है, तो वोल्ट बटे एम्पियर और वोल्ट बटे एम्पियर कट गया, क्या बच गया सेकेंड बच गया, तो एल अपॉन आर का मात्रक क्या आया सेकेंड और विमा क्या आ जाएगी इसकी टी वन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखना है एल अपॉन आर का मात्रक सेकेंड और विमा क्या आ गई टी वन। ऐसे ही फाई अपॉन आर का निकालो, बहुत आसान काम है। आपको एक चीज और याद होगी, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है एल आई, फाई बराबर एल आई, इसका मान यहां एल रख दो तो एल अपॉन आर का तो निकाल ही रखा है, एक ही याद रख लो, इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो सेकंड नंबर ये फर्स्ट हो गया सेकंड, फाई अपॉन आर बराबर फाई की जगह क्या रख दो एल आई अपॉन आर, बताओ ये क्या था सेकंड, और ये क्या होता है कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर, याद करो क्योंकि आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी होता है, जानते हो ये कट गया, क्या गया कूलाम, तो फाई अपॉन आर का मात्रक क्या हो गया कूलाम, फाई अपॉन आर का मात्रक क्या बन गया कूलाम बन गया,
और विमा क्या बन गई, आवेश की विमा, अरे पाई अपॉन आर आवेश बन गया आवेश, और आवेश की विमा क्या होती है A1 T1। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। एक सवाल और देखो, बहुत अच्छा सवाल है, इसके अंदर आपको एक ग्राफ दिया गया है, इस सवाल हटा रहा हूं, और ये सवाल आपको एक नई चीज बता रहा है, कुछ अलाउन का पोर्शन भी इसमें है, ग्राफ पढ़ने का तरीका भी है, देखते जाओ, घबराने का नहीं भी, मैं हूं ना, और जब मैं हूं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी से पढ़ाई करते जाओ, ठीक है। चलो इधर देखो, आपको दिया हुआ है 5T वक्र दे रखा है, 5T वक्र से निम्न की गणना कीजिए, 5T वक्र से निम्न की गणना कीजिए, ये दे रखा है भैया आपको 5T वक्र, इधर दे रखा है 2, 4, 6 सेकंड दे रखे हैं, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड, 16 सेकंड, इधर दे रखा है T n सेकंड्स में दे रखा है, और इधर दे रखा है फाइव इन वेबर में दे रखा है, फाइव का मात्रक वेबर होता है, इधर दे रखा है 10, यहां दे रखा है माइनस का 10, ठीक है। तो 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच का ग्राफ आपको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा नजर आया। 2 से लेकर 6 सेकंड के बीच का ग्राफ ऐसा कुछ नजर आया, ठीक, 2 से 6, और फिर 6 से लेकर 8 के बीच का ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसा नजर आया, देखो ये पूरा ऐसा नजर आया, और फिर 10 से लेकर 14 तक का ग्राफ भी ऐसा नजर आया, और 14 से 16 तक का ग्राफ इस तरह से नजर आया। कूल रहकर के आंसर देने, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो क्या क्या, पहला टी बराबर 1 सेकंड, 5 सेकंड, 9 सेकंड एवं 15 सेकंड पर प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा बतानी। अब इसका चित्र दे रखा है आपको, इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखें, इसका ये चित्र इधर देखो, ये छोटा सा चित्र दे रखा है आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है अलग से, और ये लूप दे रखा है, और इस चित्र का ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, दो चित्र दे रखे हैं, एक वो दे रखा है, एक ये दे रखा है। अच्छा सवाल है, इसमें सब कुछ पूछ लिया उन्होंने, सब कुछ पूछ लिया, अब बंदे में दम होना चाहिए, और वो दम आपके अंदर ऑलरेडी है, बहुत सारा दम है, तो देखते जाओ, ध्यान से देखो, आपसे कहा जा रहा है टी बराबर 1 सेकंड पर। एक चीज तो ये देखो कि जहां भी ग्राफ सरल रेखा होता है, जहां भी ग्राफ सरल रेखा होता है, जैसे मान लो सरल रेखा, अब कोण यहां निकालो एक्स अक्ष के साथ, कहीं भी निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, हर जगह कोण समान होता है, कौन सा कोण होता है, संगत कोण। तो जहां तक एक सरल रेखा आपको नजर आए, हर बिंदु पर उसका ढाल एक जैसा होता है, ढाल एक जैसा होता है। तो एक चीज तो ये क्लियर कर लो, अब देखते हैं टी बराबर 1 सेकंड का है, यहां आएगा T
टी बराबर यहां आएगा। अब यहां से लंब डालूंगा तो इस सरल रेखा पर आएगा, इस सरल रेखा, कोई दिक्कत है? तो देखो टी बराबर पहला, मैं आपको बीच बीच में दूंगा काम करने के लिए, थोड़ा ध्यान से देख लो अब इसको। ये सवाल ऐसा है बहुत सारी चीजों में आपको कॉन्फिडेंस ला देगा दिमाग में। टी बराबर एक सेकंड, टी बराबर एक सेकंड पर, टी बराबर एक सेकंड पर, लेंज का स्लोगन याद है आपको? स्लोगन क्या है बताओ, लेंज क्या कहता है, इसका स्लोगन क्या है बताओ? बढ़े तो अपोज, घटे तो सपोर्ट। अरे ऐसे याद रख लो यार, सपोर्ट की जरूरत किसको पड़ती है, जो घट रहा है, गिर रहा है, जिसको जरूरत पड़ती है। ये बड़े काम की चीज है। तो देखो t बराबर एक सेकंड पर क्या देख रहे हो आप, इस सरल रेखा को देख रहा हूं, t बराबर एक सेकंड पर इस सरल रेखा को देख रहा हूं, और क्या देख रहा हूं, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा है। ऐसा देखो क्या क्या नजर आ गया मेरे को, देखा आपने क्या क्या नजर आ रहा है बताओ? फाइव बढ़ रहा है, टी बराबर एक सेकंड पर फाइव बढ़ रहा है, फाइव बढ़ रहा है। और यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस बढ़ रहा है भी। ये इस चित्र में नहीं है, ये इस चित्र में, ये दो चित्र आपको दे रखे। देखो एक टी बराबर एक सेकंड का आएगा, जीरो और दो के बीच में आएगा, मैंने देखा ये बिंदु यहां आएगा, इस सरल रेखा पर आया। इस सरल रेखा के बारे में सोचो कि समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ रहा है तो हमने लिख दिया बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, यहां देखा अरे तो क्रॉस है, क्रॉस बढ़ रहा है। लेंज क्या कहता है, जो बढ़ेगा तो हम, ये तो हो गया कारण, अब बताओ प्रेरण काय का होगा, प्रेरण काय का होगा बताओ? बढ़ रहा है तो अपोज करेंगे, प्रेरण काय का होगा, डॉट का होगा, और डॉट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त होगी, वामावर्त दिशा में होगी। कोई दिक्कत किसी को? बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सब कुछ पूछ लिया भी उन्होंने, लेंज लॉस है। नंबर टू देखते हैं, सेकंड नंबर क्या पूछा, पांच सेकंड कहां आया बताओ, पांच सेकंड कहां आया, यहां आया, कौन सी सरल रेखा पर आया, इस सरल रेखा पर आया। टी बराबर पांच सेकंड पर क्या नजर आया, कोई बताएगा आप लोगों में से, ट्राई मारते देखें, ये ट्राई मारी मैंने, बताओ कोई बताएगा आप लोगों में से, ये मैंने आपको, चलो बताओ, बोलो भैया कौन बताएगा, हाँ वेरी गुड, अरे पढ़ाया किसने यार, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। टी बराबर पांच सेकंड पर फाइ क्या है, नियत, फाइ नियत है, अतः प्रेरण ही नहीं होगा, प्रेरण ही नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है भी, ये उसमें यार, ये पीछे जिसके बैकग्राउंड में ये आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर दो, म्यूट कर लो, है ना, देखो मेरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, देखो फिर आई आवाज, प्लीज बंद कर दो, जिसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है या कोई आवाज, अरे यार सबको म्यूट करूं क्या फायदा है, जिसके पीछे आवाज आ रही है प्लीज बंद कर दो। चलो इधर देखो, अब देखें, अरे मेरे यार ये लगे हुए, मेरे को आवाज बहुत तेज आती है फिर उसमें, यार प्लीज बंद कर दो, बोर्ड नहीं दिख रहा,
चलो अब देखते हैं थर्ड नंबर टी बराबर 9 सेकंड पर। देखो टी बराबर 9 सेकंड, देखो 9 सेकंड कहां आएगा, यहां आएगा 9 सेकंड आएगा, और 9 सेकंड पर अगर मैं लंब डालूंगा तो इस सरल रेखा पर आएगा, आएगा या नहीं आएगा बोलो। इस पूरी सरल रेखा को ध्यान से देखो, यहां से आता एक ही पूरी की पूरी लंबी की लंबी। तो देखे टी बराबर 9 सेकंड पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है। नीचे आने का मतलब समय के साथ फाई का मान घट रहा है। बताओ कारण क्या हो गया, कारण क्या हो गया, फाई का मान घट रहा है, घटने दो। लेकिन फाई क्या है, वी क्रॉस है और क्रॉस का मान घट रहा है, ये ग्राफ बोल रहा है अपन से। तो बताओ प्रेरण का क्या होगा। अब लेंज बाबू आगे तैयार हो गए, घटे तो सपोर्ट करो, इसका सपोर्ट कर दो। प्रेरण काय का हो गया, इसका हो गया सपोर्ट, हो गया बताओ सपोर्ट कर दिया मैंने। और यहां क्या कर दिया था मालूम है, अपोज कर दिया था, और यहां क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। अब बताओ इसका मतलब प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, दक्षिणावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी, होगी। मैंने आपको बता रखा है हिंट, क्या बता रखा है, ये रहा ये एस बन गया, ये क्लॉकवाइज होगी, ये क्लॉकवाइज होगी, एस ध्रुव बन गया क्रॉस बन गया, ये क्या बन गया एन ध्रुव बन गया, ये एंटी क्लॉकवाइज बन गई, ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज, कौन सा ध्रुव बन गया एन ध्रुव, और एन ध्रुव का मतलब होता है डॉट, दक्षिणावर्त होगी साहब। अब अगर मैं टी बराबर 7 सेकंड पर पूछता तो क्या होता, टी बराबर 7 सेकंड पर पूछता तो क्या होता, प्रेरण होता या नहीं होता, 100% होता है। 7 सेकंड पर यहां परिवर्तन रेखा, ये नियत रेखा, ये परिवर्तन रेखा, ये परिवर्तन रेखा और ये नियत रेखा, बस सुन में आई। तो बताओ टी बराबर 7 सेकंड पर परिवर्तन रेखा कुछ कहती है आपसे, क्या कहती है बताओ, पर 7 सेकंड पर टी बराबर 7 सेकंड इसी रेखा पर आएगा। तो प्रेरण का कारण क्या है, फाई का मान देखो समय के साथ घट रहा है, समय इधर बढ़ रहा है, समय के साथ साथ फाई का मान घट रहा है, घट रहा है, समय फाई देखो, समय और फाई घट रहे हैं, फाई घट रहा है भाई, फाई कौन है यहाँ पे, क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्रॉस घट रहा है, क्रॉस घट गया और घटे तो सपोर्ट कर दो। तो प्रेरण काय का हो गया, बी क्रॉस का, सपोर्ट कर दिया भाई अपन, किसने कहा सपोर्ट करने के लिए, वो कह रहे हैं लेंज, लेंज बाबू। तो प्रेरित धारा की दिशा बताओ, प्रेरित धारा की दिशा क्या आएगी, सी डब्ल्यू मतलब दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज आएगी। और देखो क्या पूछा है आपसे, 15 सेकंड पर पांचवा टी बराबर 15 सेकंड पर बताओ। अगर मैं ये पूछ लू टी बराबर 13 सेकंड पर क्या बोलोगे बताओ, टी बराबर 13 सेकंड पर क्या बोलोगे, फाई नियत कोई प्रेरण नहीं, क्या सही लिखा, क्या बिल्कुल सही लिखा, टी बराबर 13 यहां आएगा, 12 के बाद 13 यहां आएगा, इस रेखा पर आएगा, नियत रेखा पर आएगा, फाई नियत है, और फाई नियत है तो फेराडे कहता है परिवर्तन ही नहीं है तो प्रेरण कहां से आएगा, प्रेरण नहीं होगा। अब प्रेरण नहीं होगा भाई साहब, अब बताओ, अब अगर अच्छा एक और बच गया, टी बराबर 15 सेकंड पर क्या होगा, क्या होगा भैया, टी बराबर 15 सेकंड पर वापस देखो, फाइव बढ़ रहे, फाइव बढ़ रहा है, फाइव बढ़ रहा है, क्या होगा बताओ,
टी बराबर 15 सेकंड पर फाइ का मान बढ़ रहा है। आंसर दो, ट्राई मारो और थोड़ा सा सोच समझ करके आंसर दो। दोगे? बताओ, फाइ का मान बढ़ रहा है? फाइ का मान, ट्राई मारो आप लोग, आप लोगों को चांस दे रहा हूं, मैं आपको अनम्यूट करके सुन भी लेता हूं। अब आ गया क्या? अरे हाथ खड़े कर दो आने का। चलो ठीक है,